Not you. Yeah, as a writer, जितने भी शोज लिखे हैं, जब भी गलती काम नहीं कर रहा, मैंने कहा इस बार किसी और को ब्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ, इसलिए बन गया शायद. नहीं, जोक्स अपार्ट, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एज अ राइटर आप सोचते हैं और डायरेक्टर आते हैं, हम सेट बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी अपनी उसमें जान डालते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है. पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसे शुरू से अंत तक जीऊं. ये उनमें से कुछ एक कहानियों में से है जिसका जर्म बहुत टाइम से दिमाग में था, और फिर मुझे लगा कि ये कहानी मैं खुद बनाना चाहूंगा, ना सिर्फ लिखना चाहूंगा. उसका कारण ये भी है, अगर मैं ये कहूं कि टीवी को अब फिल्म की तरफ हो जाना चाहिए और या मैं बदलना चाहता हूँ, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, आई डोंट थिंक उसमें पढ़ना चाहिए. बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि मुझे लगा कि बहुत सारी लव स्टोरीज, जिस तरह से हम कहते हैं, इसका टेक्सचर बहुत ही क्लासिक होता है पर नरेटिव बहुत ही कंटेम्प्रेरी होता है, ये उनमें से एक कहानियों में से है. और कोशिश ये करना चाहता था कि ये जब देखें तो ऐसा लगे कि हम सब ने हमारे पास्ट में कभी जो अधूरी कहानी जी है उसकी एक झलक मिले, और चाहे कितने भी साल गुजर क्यों ना जाए, उस पहले प्यार का थोड़ा जो नॉस्टैल्जिया, वो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस रहता है, वो आज भी जिंदा होता है हमारे अंदर, वो हम सिनेमैटिक तरीके से उसको लेकर आए, चाहे फिर वो साउंड डिजाइनिंग हो, लाइटिंग हो, सेट कंस्ट्रक्शन हो, डायरेक्शन हो. चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में चल रही थी तो मैंने कहा कि ये शो वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू बिगिन एज अ प्रोड्यूसर. वेल, दैट इज मोर और लेस द स्टोरी. शशांक, सुमन भी है और सुमो भी है. लेट मी एक्सप्लेन. सुमन सपनों से भरी हुई है, वो लाइफ में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, बहुत स्वाभिमानी है. जरूरत पड़ने पर वो हक को लड़कर छीनना भी जानती है, लड़के छीनना. एंड सुमन सुमन को बचपन में ही एहसास हो गया था, उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद, कि जिस परिवार ने उसे बड़ा किया है, इतना प्यार दिया है, उसकी जिंदगी उन्हीं की है. तो वो अपने परिवार की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है. उसके लिए अपने परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं, सुमो भी नहीं. बट यू नो व्हाट, सुमन बस यही चाहती है कि सुमन रहकर भी वो सुमो के अरमानों को पूरा कर सके. मुश्किल जरूर है, पर सुमो ने हार मानना कभी नहीं सीखा. सो दैट्स सुमो फॉर यू. में प्यार कहाँ है? प्यार उसका जो लंबा श्रवण है, वो बचपन का प्यार है. बचपन में एक बहुत ही क्यूट फ्रेंडशिप है सुमन और श्रवण के बीच में. आई शुड से सुमो और श्रवण के बीच में, क्योंकि ये जो नाम है सुमो, वो श्रवण ने ही उसको दिया है. और जब वो बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी अनबन है, और वही अभी देखने को मिलेगा कि क्या होता है. ओके, नमिक, व्हाट इज श्रवण? हु श्रवण? श्रवण श्रवण एक ऐसा लड़का है जो बचपन से इंटेलिजेंट है, बट थोड़ा नर्डी है. शक्ल पे चश्मा, हाथ में किताब, फ्रेंड्स तो ना के बराबर, बट बुरा वक्त आने पे उसने भी धोखा दे दिया.
तब श्रवण समझ गया कि लाइफ में इंटेलिजेंट होने के साथ साथ विटी और चार्मिंग होना जरूरी है, और उस दिन से उसकी लाइफ बदल गई। आज वो एक सक्सेसफुल लॉयर है, और जिन औरतों का वो मजाक उड़ाता है उन्हीं का सबसे बड़ा हीरो। आज सब कुछ है श्रवण के पास सिवाय उस दोस्त के। श्रवण, क्या अब भी प्यार करता है सुमो से? ये आंसर है शायद, बट आई थिंक अभी राइट नाउ जो उसकी पास्ट, जो उसमें चेंज आया है उसके कैरेक्टर में, दैट्स बीन ड्रिवन मोस्टली बाय सुमो एंड सम अदर पास्ट सर्कमस्टांसेस है, तो काफी चिढ़ता भी है इनसे, और इन्हें दिखाना चाहता है कि जो वो नर्डी लड़का था उस टाइम पे वो अब नहीं रहा है, कितना चेंज हो गया, उसने कितनी तरक्की की और कितना चेंज लाया अपने आप में, और ये प्रूव करना चाहता है कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है जैसे स्कूल में थी। सुमो का काफी गहरा असर पड़ा है, काफी हाँ, साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। ओह, तो आप उससे थोड़ी थोड़ी नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और लव हेट, हाँ आप, ओह लव एंड हेट, सो लेट्स सी हु विंस, राइट? यस, ओके, लेट्स प्रे लव विंस। सो दिस इज द टीम ऑफ एक दूजे के वास्ते फॉर यू गाइज।